विधानसभा चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है। छठवें चरण का चुनाव 3 मार्च को होना है और इस वक्त 302 सोहरतगढ़ विधानसभा में हूँ। हमारे साथ अपना दल भाजपा के गठबंधन प्रत्याशी विनय वर्मा हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से भारी जन समर्थन मांग रहे हैं और कि हमको 2022 में विधायक बना करके विधानसभा में भेजिए और इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, बाबा हैं, और हमारे साथ विनय वर्मा है, जो प्रत्याशी हैं। सर, किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है? आप देख ही रहे हैं, प्यार मुझे सबका मिल रहा है। अभी इतना जमन, अभी आपने कार्यक्रम किया, इतनी भारी भीड़, जहाँ जहाँ आप जाते हैं इस तरीके से तमाम लोगों का हुजूम जुट जाता है, और क्या स्थिति है आगे चल करके, क्या विकास को लेकर क्या योगदान रहेगा? विकास आगे, बस पहले एक बार समय आने दीजिए। हाँ। आपसे मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ। हाँ। 302 सीट नंबर एक पे, उत्तर प्रदेश में नंबर एक में दिखा के लाऊंगा। हाँ। हाँ। आप जिला पंचायत लड़े थे, मात्र 20 से 25 दिन में सबसे भारी बहुमत से चुनाव जीते थे, उसके बाद उस जिला पंचायत में अपने निधि से तमाम सारे काम कराए थे। क्या अगर 302 विधानसभा के सोहरतगढ़ की जनता आपको चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजती है, तो यहाँ जो आधे अधूरे काम पड़े उसको पूरा कैसे करेंगे? आप ये देखिए, अभी एक महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी ने मुझे उत्तर प्रदेश, एक नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में मुझे दिया गया था गिफ्ट। इसलिए दिया गया था कि मैंने सारे उत्तर प्रदेश में काम किया है। मतलब जिला पंचायत में जो मैंने काम कर दिया, वो विधायक और एमपी को भी 10 जन्म लगेगा करने में। तो क्या माना जाए कि 302 सोहरतगढ़ विधानसभा में उसी जिला पंचायत के तर्ज पर सोहरतगढ़ जिला विधानसभा में कार्य होगा? आप इतना विश्वास करिए, एक बार मुझे मौका दे दिया तो ये दोबारा किसी को नहीं चुनेंगे, और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये और ये इसके लिए जैसे आज हम लोग मांग रहे हैं ना वोट, ये नौबती खत्म हो जाएगी। हमारे साथ पीड़ा बाबा हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे भाजपा के और ये बहुत दिग्गज और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या कहेंगे लोग? तो कहते हैं आपके प्रत्याशी बाहरी है, किस तरीके से इसका मुकाबला करेंगे? देखिए भाई, आपने शुरू कर दिया, मैं गिनती करा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। मेरे इस विधानसभा में मित्तल जी विधायक होते थे नौगढ़ से रह करके, दूसरी विधानसभा से गिनती। धनराज जी इस विधानसभा से यही पिपरस रह करके नौगढ़ में होते थे, मित्तल जी सोहरतगढ़ में होते थे, अमर सिंह नौगढ़ से जाके सोहरत में हो गए, स्वर्गीय हरिश्चंद श्रीवास्तव जी जो वित्त मंत्री रहे वो बनारस से आके बांसी में हो गए, भालचंद यादव का लड़का जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, संत कबीर नगर से माननीय सांसद जगदम्बा पाल जी बस्ती से आके यहाँ सांसद हो गए। गिनती कितनी भी गिनाइए, इतना गिनाऊ लंबा हो जाएगा। तो बाहरी का नहीं काम करने वाला चाहिए, उसकी निष्ठा त्याग तपस्या होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए। करके बूथ प्रमुख कार्यकर्ता का जो व्यक्ति धूल करके उसको आचमन किया हो, हम देवताओं करते हैं ये कार्यकर्ता, इससे बड़ा क्या हो। गौतम बुद्ध की धरती बाहरी लोगों को हमेशा जन समर्थन दिया है, भारी जन समर्थन देकर के उन्हें विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम करे किया है। क्या विनय वर्मा जी को गौतम बुद्ध की धरती के जितनी जनता है वो प्यार और मोहब्बत और वोट दे करके विधानसभा भेजने का कार्य करेगी? मैं फिर कह रहा हूँ, विनय वर्मा जी का नाम, भाई सुनिए, विनय नाम है। भगवान राम जब राम सेतु पर गए तो लक्ष्मण जी कहते आपके एक बाण से तो ये पूरा सूख जाएगा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, विभीषण ने राय दिया था कि आप जो है याचना पहले करिए, उन्होंने विनती किया था और विनती करने के बाद कहा मेरा स्वभाव विनती है, आप विनय जी हैं विनती करने हैं, विनती करते हुए केवल कप प्लेट बताना है, काम तो मोदी और योगी जी ने कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने कर दिया। पहली बार देख रहा हूँ, हिंदू हो मुसलमान हो दलित हो सिख ईसाई हो, जो भूख से मरता वो कह रहा है कि योगी और मोदी चाहिए। सोहरतगढ़ विधानसभा का समीकरण दूसरा है, दो चौधरी लड़ रहे हैं, चौधरियों का बाहुल ले रिया है, अपने दल से विनय जी आए हैं जो एकदम बिना स्वभाव के हैं,
कहाँ जाएगा समीकरण? मैं कह रहा हूँ जात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो जात कहा है आपने वो पहले भाजपाई है। नात रिश्तेदार को छोड़ दीजिए, हमारा समाज पहले भाजपाई है, ऐसा हो नहीं सकता। सब भाजपा को जिताएंगे, कमल के नाम पर कप प्लेट को जिताएंगे। बाजार मैं सुरेश्वरपुरी मंडल प्रभारी जी हूं। जी हां, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? देखिए, पिछली बार कप प्लेट को पहचान कराने में हम लोगों की बड़ी मशक्कत के सामना करना पड़ा था। पूरी जनता के बीच में जब हम लोग जाते थे, कहते थे लोग कप प्लेट तो हम लोग जानते ही नहीं हैं, ये कौन सा चिन्ह आ गया। हम लोगों ने जब उनको पहचान कराया कि कप प्लेट का बटन दबेगा और कमल खिलेगा, वही करंट आज भी पूरी जनता के बीच में घूम रहा है। हम लोगों को कप प्लेट पहचान नहीं कराना है, पूरी जनता जान गई है कि फिर से अपना दल के गठबंधन में, गठबंधन की राजनीति धर्म का हम लोग पालन करते हुए हमारी संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने अपना दल के प्रत्याशी विनय वर्मा जी को उतारा है। और विनय वर्मा जी की, जैसा कि हमारे अभी लाल बाबा ने बताया है, जैसा ये विनम्र हैं, जैसा स्वभाव है इनका, व्यक्तित्व जो है आम जनता के बीच में, कोई पहचान कराने की जरूरत नहीं है। इतने ही दिनों में आप इतने अधिक लोग ये हो गए हैं कि जनता स्वयं कारी है कि हम कमल ही खिलाएंगे और कम और कप प्लेट को ही दबाएंगे। इसलिए 2017 से 2022, 2017 में कप प्लेट था, 2017 में कप प्लेट की बटन दबाकर विधानसभा में भेजा था, 2022 में फिर कप प्लेट आ गया अपना दल और भाजपा, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। फिर आएगा आगे, फिर अगर हमारा नेतृत्व चाहेगा तो वो फिर यहाँ से दिया जाएगा। सबसे जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा होता है काम का, कार्यक्रम का, गरीबों की सेवा का और यहाँ के विकास का। उस मामले में योगी और मोदी जी की सरकार ने पूरे विधानसभा नहीं, पूरे देश में जिस तरह से काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में योगी जी के जो कार्यक्रम, स्वयं उस तरह से यहाँ के पूर्वांचल के जो शेर कहे जाते रहे, हिंदू वाहिनी के माध्यम से आज हमारे गठबंधन में वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हमारी पार्टी के ही समर्थन से वो भी मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन आज उनकी पूरी वो संगठन हिंदू वाहिनी, पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरह से पूरा सपोर्ट कर रही है। और संगठन तो हमारा, जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे जिला अध्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिला अध्यक्ष जी पूरे पूरे जिले की जिम्मेदारी है, आज यहाँ है, कल कहीं और विधानसभा में है, लेकिन पूरा संगठन का नेतृत्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे बूथ का कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष है, हमारे सेक्टर संयोजक लोग हैं, ये सब लोग हर सेक्टर में, हर बूथ में पूरे जी जान से लगे हैं। और यहाँ से फिर से भाजपा के सरकार बनाने के लिए कप प्लेट की पहचान करा के आप कमल को खिलाने के लिए एकदम तत्परता से जुड़े हैं। विनय वर्मा जी थे और मंडल अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि बूथ स्तर तक हर एक कार्यकर्ता भाजपा और अपना दल के प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। अब 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो विनय वर्मा के किस्मत का फैसला खुलेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, 302 शहरगढ़, विधानसभा, सिद्धार्थनगर।